किताबों में भी न मिलेगी। फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माई चैनल। तो आज है मेरे हस्बैंड जी का बर्थडे एंड लॉकडाउन है तो बाहर से कुछ भी सामान नहीं ला सकते, तो ये घर में मेरे टिश्यू पेपर पड़े थे, मैंने उसी से फ्लावर बनाया है डेकोरेशन के लिए। ये ब्लॉग शूट करना मैंने 3 से स्टार्ट कर दिया था और उसके बाद फिर मैं केक बना रही थी, तो ये कस्टर्ड है और कस्टर्ड की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और ये ब्रेड है क्योंकि केक बाहर से ला नहीं सकते और मेरे घर में कस्टर्ड बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो केक कस्टर्ड केक ही बना लेते हैं। तो मैंने कस्टर्ड केक ही बनाया था और सच्ची ये बहुत ही यम्मी बहुत ही टेस्टी बना था, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको केक बेक करना नहीं आता है तो इसमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे बहुत ही इजीली बना सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम केक बना रहे हो तो भी आप इसे ट्राई कर सकते हो, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, बहुत ही अच्छा बनेगा। आपको इसे ब्रेड को और कस्टर्ड में पूरा ही डिप करना है अच्छे से, और अगर आपको फ्रूट्स मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, जैसे अनार के दाने वगैरह से डेकोरेट कर सकते हैं आप, इसमें फ्रूट डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, बहुत ही यम्मी लगेगा। एंड आपको इस तरह से करने के बाद आपको इसे फ्रीज़र में सेट होने के लिए छोड़ देना है, 2-3 घंटे में ये बहुत ही अच्छा सेट हो जाएगा, ये जम जाता है तो बहुत ही अच्छा सेट हो जाता है केक की तरह। मुझे लॉकडाउन है तो यहाँ पे कुछ भी मिला नहीं, तो फिर मैंने इसे रेजिन्स और चॉकलेट क्रश करके इसे डेकोरेट किया था और एक बनाना पड़ा था तो मैंने उसी से डेकोरेट कर दिया था। इस केक को एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। पर शाम को मैंने गोलगप्पे बनाए थे घर पे और ये इतने टेस्टी बने थे कि हम 3 जनों ने ये पूरा फिनिश कर दिया था। जैसे कि मैंने बताया अभी लॉकडाउन चल रहा है तो बाहर से कोई भी चीज़ नहीं ला सकते, तो ये मैंने कार्डबोर्ड से और लेटर्स कट करे थे और ये अमित जी हैं, इन्होंने लेटर्स बना ड्रॉ किया था और फिर मैंने इसे कट करके हम इसे कलर कर रहे हैं, और कलर भी नहीं था क्रेयॉन था तो बस उसी से कलर कर रहे हैं, इसे लगाएंगे दीवार पर। लॉकडाउन में भी हमने घर की चीज़ों से ही बर्थडे सेलिब्रेट किया, बहुत ही अच्छा लगा। एंड ये टिश्यू पेपर से फ्लावर बनाया है मैंने, कितने अच्छे लग रहे हैं ना। और ये हैप्पी बर्थडे लेटर जो कि मैं कार्डबोर्ड से बनाया था और इसे कलर कर दिया था, इसे मैंने लगाया है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये। और ये पट्टी मेरी दिवाली में मैं लेके आई थी तो यूज़ नहीं किया था, ये वैसे ही रखी हुई थी तो आज यूज़ किया इसे मैंने। और ये टिश्यू पेपर का फ्लावर जो कि मैंने बनाया था उसे मैंने ऐसे लगा दिया है। 12 अप्रैल को मेरे हस्बैंड जी का बर्थडे होता है और 14 अप्रैल को मेरे बेटे प्रतीक का बर्थडे होता है, तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है डेकोरेशन करना, हैप्पी बर्थडे मनाना, वो रोज़ ही अपना बर्थडे मनाता है, रोज़ ही बोलता है आज मेरा बर्थडे है। तो ये देखिए प्रतीक कितना हैप्पी है और ये गोल गोल घूम रहा है, इसे जब भी बोलो डांस करो तो ये गोल गोल घूमने लगता है, नहीं देखो इसे तो डांस करता है ये। एंड ये मेरी डेकोरेशन कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो हमारा होममेड बर्थडे केक रेडी है और ये सेट हो चुका है और ये मैंने ऊपर चॉकलेट क्रश करके डाला है। लॉकडाउन है तो अकेले ही बर्थडे मना रहे हैं।